हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्साइज मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग में कुछ एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है एक्सरसाइज 2A का, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें उसको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यहाँ पहले पढ़ती हूँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, मिस्टर गुप्ता ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। मिस्टर गुप्ता हैं, उन्होंने एक RD अकाउंट ओपन किया है बैंक में। ही डिपॉजिटेड ₹2500 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। वो 2500 रुपीज़ हर महीने डाल रहे हैं, 2 साल तक डाल रहे हैं। 2 साल मतलब क्या हुआ, एक साल में 12 महीने हुए, तो 2 साल में हमारे 24 महीने तक उन्होंने 2500 रुपये डाला। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ही गॉट ₹67500। और जब 2 साल के बाद उनकी RD कंप्लीट होती है तो उनको 67500 रुपीज़ मिलते हैं। तो इसमें हमें पता करना है, क्वेश्चन 1 पूछ रहा है द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता, उन्हें टोटल कितना इंटरेस्ट मिला। और दूसरा पूछ रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, उन्हें हर साल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट अर्न पहले हम निकालते हैं, टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता। यहाँ पर हमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा हमको दिया हुआ है कि वो हर महीने कितना अमाउंट जमा कर रहे हैं, मतलब हमको यहाँ पे P पता है। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2A, यहाँ पे हमें P पता है ₹2500। हमें पीरियड बताए हुए हैं, पीरियड मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स। तो यहाँ पे हमें 2 ईयर्स में दिया हुआ है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे मंथ्स में, तो हमारे पास हो गया पीरियड 24 मंथ्स। मैच्योरिटी वैल्यू दी है, मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे दी है ₹67500। तो देखिए पहले हम कैलकुलेट कर लें कि हमने कितना अमाउंट हमने जमा किया। इक्वल टू कितना होगा हमारा, 2500 जमा कर रहा है हर महीने, तो 24 महीने तक जमा कर रहा है, तो ये हमारा 2500 इंटू 24 हो गया। यहाँ पे ₹60,000 उसने 2 साल तक जमा किया। अब तो इस बहुत इजी है निकालना, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट ऑन इट। तो हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड। मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है 67500, हमने अमाउंट डिपॉजिट निकाल लिया है ₹60,000, इसको माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 7500 इंटरेस्ट। मतलब हमने जब ₹60,000 हर महीने जमा, हर मतलब ₹2500 24 महीने तक जमा किए, तो हमारा टोटल अमाउंट 60,000 हुआ और हमको मैच्योरिटी वैल्यू मिली 67,500। तो हमने इंटरेस्ट निकाल लिया कि मैच्योरिटी वैल्यू माइनस टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, तो हमारा आ गया इंटरेस्ट आपका ये रुपीज़। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब आपको पता है बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर आप ये बुक फॉलो करते हैं या किसी भी बुक में फॉर्मूला तो ये दिया ही होगा, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू सम टोटल सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि कितने इंटरेस्ट पे दिया हुआ है। तो टोटल अमाउंट हमें पता है, डिपॉजिट हमने कितना किया है 60,000 रुपीज़
डिपॉजिट किया है टोटल, मैच्योरिटी वैल्यू भी हमें दी हुई है 67,500, इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पी इंटू एन एन प्लस वन अपॉन टू इंटू ट्वेल्व इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर हमें नहीं पता है, वही हमको इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कितना होगा। 60,000 प्लस 2500, यहाँ पे एन हमारा कितना है 24 है, 24 प्लस 1 25 अपॉन 2 इंटू 12 हुआ 24 इंटू आर बाई 100। अब इस सॉरी यहाँ गलती हो गई, 60,000 है, ये हमने डबल ज़ीरो कैंसिल कर दिया, 24 इसको कैंसिल कर दिया, ये हमारा आता है प्लस 25 इंटू 625 आर 67500। अब इसको इस पोर्ट को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, 625 = 67500 माइनस 60,000, ये हमारा आता है 75625 आर। लास्ट पेज पे देखिए लिखा 625 आर = 7500, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा डिवाइडेड बाय 625, इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आपको डिवाइड भी कर देते हैं इजी रहेगा, 6 × 1 = 625 माइनस करेंगे इसको तो 2 और ये 1 0 2 0 5 2 1, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12। तो आपने क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आया, आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, और भी कोई क्वेश्चंस रहते हैं बुक से, इस बुक से या किसी और बुक से, तो आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, उसको हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।